नमस्ते अंक मित्र, अबेकस के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा गला ख़राब होने की वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि अगली वीडियो में मैं ये एडिशन दिखाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये पूरा एडिशन दिखाया था, 99, 88 से लेके 11 तक सारे नंबर्स कैसे ऐड करना है अबेकस पे, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम ये इस एडिशन पे फोकस करेंगे, जहाँ से 1, 12, 23 ऐसे सारे नंबर्स 89 तक हम ऐड करेंगे। इस एडिशन के वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। ये वाला एडिशन शुरू करते हैं। पहला नंबर 1 है तो वो तो ईजी है, यूनिट्स प्लेस पे हमने 1 ले लिया। अगला नंबर 12, सो उसके लिए टेंथ प्लेस में मुझे 1 लेना है और यूनिट्स प्लेस पे मुझे 2 ऐड करना है, वो भी हो गया। अगला नंबर है 23 ऐड करने के लिए मुझे टेंथ प्लेस में 2 ऐड करना है, जो मैं इजीली कर सकता हूँ। यूनिट्स प्लेस में 3 ऐड करने के लिए मेरे पास 3 बीट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं 3 ऐड करने के लिए स्मॉल फ्रेंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 अवेलेबल है। तो प्लस 5 माइनस 2 करके 23 का ये जो 3 है वो भी पूरा हो चुका है। अगला नंबर है 34 ऐड करने के लिए मुझे टेंथ प्लेस पे 3 ऐड करना है। 3 ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फिर से 3 बीट्स नहीं है, तो मैं प्लस 5 माइनस 2 यानी कि स्मॉल फ्रेंड फार्मूला यूज़ करके मैंने टेंथ प्लेस में 3 ऐड कर लिया है। अब यूनिट्स प्लेस पे मुझे 4 ऐड करने के लिए मेरे पास 4 बीट्स तो है नहीं, और ऊपर का 5 भी मेरा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 4 ऐड करने के लिए बिग फ्रेंड फार्मूला यूज़ करेंगे, जो है -6 + 10। सो 34 का एडिशन हो चुका है। अगला नंबर है 45। अब 45 ऐड करने के लिए मुझे टेंथ प्लेस में 4 ऐड करना है। टेंथ प्लेस में 4 ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 बीट्स नहीं है, ऊपर का 5 भी यूज़ हो चुका है, तो फिर से मैं बिग फ्रेंड यूज़ करके 4 ऐड करूँगा, जो है -6 और बाजू में +10। सो टेंथ प्लेस का 4 हो चुका है, यूनिट्स प्लेस पे 5 ऐड करने के लिए डायरेक्टली 5 ऐड कर सकते हैं। अगला नंबर है 56 ऐड करने के लिए यूनिट टेंथ प्लेस में मुझे 5 ऐड करना है, 5 अवेलेबल है तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। यूनिट्स प्लेस पे मुझे 6 ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6 ऐड करने के लिए 6 का फ्रेंड है 4, तो -4 करके +10 करना है, लेकिन -4 करने के लिए यहाँ पे 4 बीट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 6 का कॉम्बिनेशन फार्मूला यानी कि जो 6 का बिग फ्रेंड है 4, उसको हम उसके अपने स्मॉल फ्रेंड से माइनस करेंगे, यानी कि +1 - 5 करके हमने -4 का काम कर दिया, और उस -4 के साथ हम +10 कर देंगे, तो यूनिट्स प्लेस पे 6 का एडिशन पूरा हो चुका है, 56 का काम हो गया। अगला नंबर है 67। 67 में टेंथ प्लेस पे मुझे 6 ऐड करना है, वहाँ पे भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास 6 का फ्रेंड जो 4 है वो माइनस करने के लिए इनफ बीट्स नहीं है, तो -4 करने के लिए हम स्मॉल फ्रेंड फार्मूला यूज़ करेंगे, +1 - 5, और ये -4 करने के साथ ही हम बाजू में +10 कर देंगे, तो टेंथ प्लेस का 6 हो गया। अब यूनिट्स प्लेस पे मुझे 7 ऐड करना है, जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है 78 का टेंथ प्लेस पे मुझे 7 ऐड करना है, जिसके लिए मेरे पास 7 तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 7 का बिग फ्रेंड जो है 3 वो अवेलेबल है, यानी कि 3 माइनस करके बाजू में +10 हम कर सकते हैं। सो -3 + 10 करके टेंथ प्लेस का 7 हो गया। यूनिट्स प्लेस पे मुझे 8 ऐड करना है, 8 ऐड करने के लिए -2 करके बाजू में +10 कर दिया, तो 78 भी पूरा हो गया। अब लास्ट नंबर है 89 का टेंथ प्लेस पे मुझे 8 ऐड करना है, जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 और 3 सब अवेलेबल है, तो 80 हो गया। यूनिट्स प्लेस पे 9 ऐड करने के लिए मेरे पास 9 तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 9 का बिग फ्रेंड कौन है 1, तो हम -1 करके -1 करके बाजू के रॉड पे यानी कि इस वाले रॉड पे हमें +10 करना है, यानी कि इस वाले रॉड पे हमें 1 ऐड करने के लिए फिर से 1 का सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1 बीड भी अवेलेबल नहीं है और ऊपर का 5 भी अवेलेबल नहीं है, तो इस रॉड पे हमें
इस रॉड पे हमें प्लस 10 करने के लिए 1 का फॉर्मूला यानी कि माइनस 9 करके बाजू में प्लस 10 करना पड़ेगा। सो इस तरह लास्ट नंबर 89 भी पूरा हो चुका है और इन सारे 10 9 नंबर्स का एडिशन जो है वो आया है 405। उम्मीद करता हूँ आपको ये एडिशन समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी सुलझा सकूँ। थैंक यू।